एक वक्त था जब सेलिब्रिटी कुछ भी बोल दिया करते थे जनता के लिए। फॉर एग्जांपल करीना कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में जनता के लिए कुछ बातें बोली थी। उन्होंने कहा था कि हमने आपको कोई फोर्स नहीं किया है हमारी मूवी देखने के लिए, आपने हमें नहीं बनाया। ये सारी बातें करीना कपूर के द्वारा जनता को बोली जाती हैं अपने एक इंटरव्यू में। बहुत ज़्यादा पुराना इंटरव्यू है, टेंशन ना लो, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो क्लिप भी मैं दिखाऊंगा। फिर टाइम बदलता है, एक पावर आती है, इंटरनेट जैसे बूम हमारे पास होता है भारत के अंदर, तो पावर आ जाती है सोशल मीडिया की। लोगों का जैसे इन्फ्लुएंस आता है सोशल मीडिया का, जैसे लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे से लोगों की पहुंच बढ़ जाती है, फिर ट्रेंड चलाया जाता है। जब ये मूवी रिलीज होने से पहले एक ट्रेंड चलता है कि बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, इवन लोग व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनल मैसेज कर करके लोगों को बता रहे थे लाल सिंह चड्ढा मूवी का बहिष्कार करो। और उस मूवी का जैसे बायकॉट हुआ था, जिस तरीके से इसका ट्रेंड चला था, करीना कपूर के द्वारा जो इंटरव्यू दिया गया था जिसमें उन्होंने लोगों को कहा था कि हमारी मूवी देखने मत आइए, अब वो कहने लग रही हैं कि भाई हमारी मूवी देखने आ जाओ, प्लीज बायकॉट मत करो। मैं वो आपको वीडियो दिखाता हूँ, जिनके द्वारा ये वीडियो बनाई गई है, मैं उनको ये क्रेडिट देना चाहूंगा। उनका नाम है, मतलब कि जो उनका मीम पेज है सार्केजम पॉलिटिक्स, उनके द्वारा ये वीडियो बनाई गई, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आया हूँ। The audience has made us, nobody else has made us. The same people pointing fingers as also, they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ, nobody has forced you. आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ, nobody has forced you. But the fact is that they shouldn't boycott this film because it's such a beautiful film and I want people to see me and Aamir on screen na, after like 3 years we waited so long. So I'm like, you know, please don't boycott this film. Because it's like actually boycotting good cinema and people have worked so hard. We've had 250 people work on this film for like 2.5 years. मूवी के फ्लॉप होने के बावजूद भी कुछ लोग बस अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर इन जैसे सेलिब्रिटीज को फॉलो करते जा रहे हैं। एक ट्विटर के ऊपर फिर से ये ट्रेंड करा रहे हैं लाल सिंह चड्ढा सुपरहिट, बावजूद इसके उन्होंने उसकी कमाई नहीं देखी। फर्स्ट डे जैसे उसकी कमाई रही है, अगले दिन उसकी कमाई जैसे घटी है, और अब तो कई कई जगह पर जैसे उसके शो कैंसिल किए गए थे। उनकी ऑक्यूपेंसी देखो आप थिएटर्स में जाके, कितनी ऑक्यूपेंसी, सीटें खाली पड़ी हैं, बावजूद उसके वो किस तरीके से बेवकूफों के तरीके से सेलिब्रिटीज को, अपने सेलिब्रिटीज को, अपने सुपरस्टार को फॉलो कर रहे हैं, वो उनको हीरो मान रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, देखो हीरो शब्द इन जैसे सेलिब्रिटीज को देना मुझे कहीं से भी सही नहीं लगता है। अब हीरो का क्या मतलब होता है, पहले तो उसके बारे में सर्च करिए, फिर बोलिए उन जैसे। आप बस उनका एक करेक्टर देख रहे हैं, जो एक अभिनय वो निभा रहे हैं, उनके असली करेक्टर को नहीं जानते हैं। आमिर खान जैसे व्यक्ति एक ऐसे मंच पर बैठकर, जितनी उनके सामने सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी के बीचों बीच बैठकर वो ये कह रहे हैं कि हमें भारत में रहते हुए डर लग रहा है, तो आप सोच के उनकी मानसिकता कैसी होगी। तो हीरो शब्द किसी को ऐसे ही मत पकड़ा दीजिए, थोड़ा सा खुद आंकलन कर लिए। भैया आपको बहुत ज्यादा जरूरत है पढ़ने लिखने की, तब इन सब चीजों को आप समझ पाएंगे। लेकिन कुछ हैं लोग वो अंधे होकर इन जैसों को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे जैसे ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनके उस ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखिए उनकी कमाई कितनी है, बॉलीवुड की जैसे आदत रही, आप देखिए मूवी के अंदर जैसे उन्होंने कंटेंट दिखाया है कि भाई एक आतंकवादी को बचाया, आतंकवादी को बचाने के बाद आराम से रखा, उस आतंकवादी को किसी ने नहीं पकड़ा। मतलब मजाक बना के रख दिया है यार कि एक आतंकवादी भारत के अंदर आकर आराम से रहकर चला भी जाता है, अच्छी से कमाई करके भी चला जाता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। और ये बात लाल सिंह चड्ढा यानी आमिर खान के द्वारा पूरी मूवी में सबको बताई जा रही है कि भैया ऐसे ऐसे मैंने किया, तब भी किसी ने कुछ किया नहीं, किसी को गुस्सा तक नहीं आया, किसी ने रिएक्ट तक नहीं किया। इतनी वाहियात चीज हमें दिखा दी जाती है, फिर भी लोग इन जैसों को फॉलो कर रहे हैं, कमाल की बात है। पता नहीं इन्होंने अपना दिमाग कहाँ रखा है, या फिर जब दिमाग भगवान जब दिमाग दे रहे थे तो पता नहीं कहाँ खड़े थे, शायद बिना दिमाग के धरती पे आ गए, और इनको बॉलीवुड बस एक जन्नत लगती है, इनको स्वर्ग लगता है, और उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। अगर आप लोगों ने मूवी देखी तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।